तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्रेनियम क्लाउड लिमिटेड की सॉफ्टवेयर कंपनी के स्टॉक की। दोस्तों आज इस स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है, 5% की रैली के साथ ये स्टॉक 170.35 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हो 162.25 रुपीस ही, और आज ओपनिंग से ही ये जो स्टॉक है ये अपर सर्किट में लॉक हुआ पड़ा है। तो आइए इसका आज का टेक्निकल डाटा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आज का टेक्निकल डाटा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले इसकी जो है वो ऑर्डर बुक देखो, तो बाई की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो जो बाई की क्वांटिटी है वो 10 लाख से भी ज्यादा है, जबकि सेल की क्वांटिटी नील है। मतलब मार्केट सेंटिमेंट टोटली इस स्टॉक में जो है पॉजिटिव हो चुकी है, कोई भी सेलर अब इस स्टॉक में नहीं बचा है और हर कोई इस स्टॉक को बाई करने के लिए लाइन लगा के बैठा हुआ है। तो इसीलिए ही दोस्तों ये स्टॉक अपर सर्किट में भी लॉक हो गया है, क्योंकि जब कोई स्टॉक में कोई सेलर नहीं बचता है तो उस स्टॉक में फिर अपर सर्किट लगता है। लेकिन दोस्तों ये टेम्परेरीली जो मार्केट कंडीशंस होती हैं कभी भी चेंज हो सकती हैं, ये भी आपको माइंड में रख के चलना चाहिए। ट्रेडेड वॉल्यूम्स देखो 59,000 के अराउंड निकल कर आ रहा है शेयर्स का। ट्रेडेड वैल्यू देखें रुपीस लाख में 100 लाख के अराउंड इसकी जो है ट्रेडेड वैल्यू निकल कर आ रही है। टोटल मार्केट कैप देखें तो कंपनी का 68,490 लाख के अराउंड है ये, तो 684 करोड़ के अराउंड ये बन रहा है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी निकल कर आ रही है। तो आगे बढ़ लेते हैं, इसका यदि हम प्राइस की एनालिसिस करें तो 52 वीक हाई देखो इतना इसका जो है 1602 रुपीस का है, जबकि 52 वीक लो देखो इसका 129 के राउंड है। तो मतलब ये स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक लो के राउंड ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक के राउंड को टच करने के बाद अब कुछ रिवर्सल शो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले जब कोई स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड करता है 52 वीक हाई पे चल जाता है तो उसमें जो है आपको ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन बीरेस्ट पैटर्न फॉर्म करने के बाद गिरावट होने के बाद कुछ रिवर्सल जरूर इस स्टॉक में देखने को मिला हुआ है, क्योंकि इसका 52 वीक लो भी जो है वो 129 के अराउंड निकल कर आ रहा है। तो आइए कुछ और डाटा इसका स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है, और ये कंपनी डिफरेंट टाइप की जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, क्योंकि दोस्तों माइक्रो कैप कंपनीज में क्या होता है कि माइक्रो कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यदि आप लार्ज कैप कंपनी पकड़ते हो, TCS को पकड़ते हो, HDFC बैंक को पकड़ते हो, या रिलायंस को पकड़ते हो, वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये आप देख सकते हो जो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। आज डिलीवरी की पोजीशन देख लो 86,000 की इसकी जो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी ट्रेडेड है, इतनी ही डिलीवरी है, 100% डिलीवरी इस स्टॉक में दिख रही है, और कोई भी ब्लॉक डील आज नहीं दिख रही है। मतलब 100% अकमुलेशन इस स्टॉक में उठाई जा रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अकमुलेशन इस स्टॉक में दिख रही है, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि इस स्टॉक में आप अभी सिप कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो लोअर लेवल है उसे कुछ रिकवरी शो करता दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हो, थोड़ा सिप के थ्रू अकमुलेशन कर सकते हो, एवरेज करके इसको अकमुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसके नतीजे कैसे रहेंगे, Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो अभी वेट करने की बात है। क्योंकि यदि कंपनी के नतीजे सही रहे तो फिर ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पे भी जाता आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि टेक्निकली एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम जो है फॉर्म होता है इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, ब्यूलिश रिवर्सल दिख रहा है, और ये कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। यहाँ पे देखो इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, वो आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली अपने सपोर्ट लेवल को डिफेंड करता नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक ने 150 के राउंड अपना एक सपोर्ट बनाया था, और इसी के राउंड ही पहले इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेट किया है, लेकिन अब इस स्टॉक में जो रिवर्सल है वो देखने को मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो जो इसका आप कह सकते हो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ये इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है, 150 के राउंड इसका सपोर्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, 150 के राउंड इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बनता दिखाई दिया है।
तो पहले इस स्टॉक ने 150 के अराउंड रिवर्सल किया, फिर कुछ रिवर्सल हुई, फिर डाउन बर्ड ट्रेंड आया, फिर रिवर्सल हुई, फिर इसमें बड़ी गिरावट के बाद अब फिर 150 के अराउंड ही बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में यदि Q1 के रिजल्ट्स सही आ जाते हैं तो फिर इस स्टॉक में बड़ा धमाका भी हो सकता है। ये स्टॉक अपने जो है पहले रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस करता दिखाई दे सकता है। पहला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 200 के अराउंड रह सकता है। तो ये स्टॉक 200 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अब इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो जरूर चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि यदि क्वार्टरली नतीजे सही आते हैं तो फिर इस स्टॉक में 200 से लेके और 225 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए आप इसके जो रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करें। थैंक्स के दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें और आगे शेयर करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ और एक नए स्टॉक के साथ।